सो ये हमारे जाली वाले गेट यहाँ पर बने हुए हैं, और इन गेटों के ऊपर मैं आपको पहले मैं डोर क्लोजर लगा के दिखाने वाला हूँ। तो अभी हमारा जो डोर क्लोजर है वो इस जगह लगने वाला है। सो ये हमारा डोर क्लोजर यहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं। तो अभी हमारा गेट इधर खुल रहा है और इधर ये बंद हो रहा है। तो अब आप ये देख सकते हो, ये हमारा जो डोर क्लोजर है इसके अंदर ये पट्टी लगेगी। तो हम इसको यहाँ पर चेक कर लेंगे कि ये किधर खुल रहा है और ये किधर बंद हो रहा है। तो अभी ये आप देख सकते हो, ये जो हमारा गेट है ये ऐसे खुल रहा है, ऐसे खुल रहा है और ऐसे बंद हो रहा है। तो ये परफेक्ट तरीके से ये सही है, इधर ही अपनी ये पट्टी लगेगी। और अगर आपका गेट मान लीजिए इधर हिंजिस लग रहे हैं और इधर अपना गेट इस तरीके से खुल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह घुमा लेंगे, और घुमाने के बाद में इसको इसके अंदर फंसा देंगे। तो ये अपना ये इधर बंद हो गया और ये खुल गया है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अभी हम इसको इधर घुमा लेंगे, और अब मैं यहाँ पर इसको 3.25 इंच जगह छोड़कर इधर लगाने वाला हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर 4 इंच भी छोड़ सकते हैं, 2.5 इंच भी आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3.25 इंच पर मार्किंग करके इस मशीन को इधर लगाऊंगा। और अब जो है इसको यहाँ पर लगाएंगे। ये अपना यहाँ से ये 3.25 इंच छूट गया है, और ऊपर की तरफ हम इसको 6 mm नीचे लगा रहे हैं। आप यहाँ पर 1 सूत की जगह भी छोड़ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 6 mm की जगह छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पर इसको सीधा देख लेंगे, ये बिल्कुल सीधा है। तो ये हमारी मशीन यहाँ पर ये लग चुकी है, और अब हम इसको लगाने वाले हैं, और अब हम इसको यहाँ पर इसके अंदर लगा देंगे। तो ये हमारी फिट हो गई है। इसको आपको ऐसे सीधा नहीं लगाना है, इसको इधर ही इसको लगाना है, और इस एलेंगे की मदद से इसको टाइट कर लेते हैं। ये हमारी टाइट हो गई है, और अब जी ये पट्टी है, इसके अंदर ये लॉक का सिस्टम दिया हुआ है। तो इस लॉक को इंजन साइड में रखना है इस तरीके से, और अब हम इसको यहाँ पर नट बोल्ट लगा देते हैं। ये हमारा यहाँ पर लग चुका है, और अब हम यहाँ पर मार्किंग करने वाले हैं इस पट्टी को लगाने के लिए। तो अब जो है इसको हम यहाँ पर दबाएंगे इस तरीके से, और दबाने के बाद में ये जो आपको धार दिख रही है इस मशीन की, इससे आप 1 इंच भी इधर ले सकते हो, या फिर इसको आप इस तरीके से लेवल भी लगा सकते हो, और या फिर आप इस मशीन की धार से 0.5 इंच कम करके भी आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 0.25 इंच आगे लगाने वाला हूँ, इस धार से 0.25 इंच आगे लगाऊंगा। और अब हमें यहाँ पर सीधा देख लेना है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगना चाहिए। जितना गैप यहाँ पर छूट रहा है इसके बीच में, उतना ही गैप इधर भी छोड़ना है। ये एकदम सही है। तो मैं यहाँ पर इधर मार्किंग कर लूँगा, क्योंकि मेरी पट्टी आ रही है तो इसका खांचा लगाना पड़ेगा। ये अपना पूरा यहाँ पर मार्किंग हो गया है, और अब मैं क्या करूँगा, इसको खांचा लगाऊँगा, क्योंकि ये पट्टी लगी हुई है। तो अगर आपकी पट्टी थोड़ी ऊपर लगी हुई है तो यहाँ पर इस धार को इसके ऊपर आपको लगी लगा देना। तो ये हमारा यहाँ पर ये खांचा लग चुका है, और अब हम इसको यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो इसको दबाएंगे, तो अब हम इसको इस तरीके से दबाएंगे। अभी यहाँ पर भी बराबर गैप है, अब यहाँ पर जितना गैप है उतना गैप इधर भी है। तो मैं इसको यहाँ पर लगा दूँगा। सो ये हमारी पट्टी यहाँ पर ये लग चुकी है, और आप देख सकते हो जो अपना इसका मुंह बाहर आ रहा है वो इस लेवल से लगभग 0.5 इंच बाहर आ रहा है। तो इसी तरह आपको इसको लगाना है। और दूसरी बात, आपको ये गैप चेक कर लेना है कि ये गैप एकदम बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगना चाहिए। तो फाइनली ये लग चुका है, और अब हम इस गेट को खोल के देखते हैं। तो ये अपना गेट खुल गया है, और क्लोजर की क्या पोजीशन आई है, अभी हम इसको बंद करके देखते हैं। बहुत जोर से पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो सेटिंग है उसको सही कर लेंगे। तो ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, और इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल हल्का सा घुमाएंगे और इसको भी थोड़ा टाइट कर देंगे बस। अभी वापिस खोल के चेक करते हैं, खोल के देख लेते हैं।
ये परफेक्ट तरीके से बंद हो गया है और जो बाकी के स्क्रू हैं वो यहाँ पर लगा देते हैं। और अब जो इसका ये पैकिंग है तो यहाँ पर लगा देते हैं इस तरीके से। ये हमारी लग चुकी है और अब जो ये टोपी है ये हम इसके नीचे लगा देंगे। ये हमारा टोपी यहाँ पर लग चुकी है। तो ये हमारा डोर क्लोजर यहाँ पर ये लग चुका है और अब हम इसको इस गेट को यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस एलेंकी की मदद से इसको खोलेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पर इसको खोलेंगे इस ठेसी को और इसको आगे की तरफ ले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस ठेसी को इसके अंदर घुसा देंगे। ये घुस गई है और अब हम इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे जिससे हमारा गेट एकदम सीधा स्टॉप हो जाएगा खोलने के बाद में। तो अब हम इस गेट को खोल के देख लेंगे कि यह स्टॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम इसको यहाँ पर खोल के देख लेंगे। ये यहाँ पर यह स्टॉप हो गया है और अब हम इसको वापस बंद करके देख लेते हैं। तो जहाँ पर आपको अपना दरवाज़ा स्टॉप करना है वो हिसाब से आप ऊपर वाली ठेसी को सेट कर सकते हैं। सो इसी तरीके से आप ये पेलीमेट वाला डोर क्लोजर लगा सकते हैं। सो ये एक प्रोसेस है पेलीमेट डोर क्लोजर लगाने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पहुँच सकते हैं। जय हिंद।